हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी कलेक्शन में। आज फिर आए हम एक नई प्रॉपर्टी के साथ। आज जो प्रॉपर्टी लेके आए हैं वो रोनी सेक्टर 24 में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये 90 मीटर की कॉर्नर की लिफ्ट प्लस पार्किंग वाली प्रॉपर्टी है। ये 90 मीटर वैसे तो 110 गज होता है, लेकिन ये कॉर्नर होने के कारण 125 गज बन जाता है। और ये रेडी टू मूव फ्रेंड्स, पूरा फ्लोर है, आप देखिएगा, अच्छे से बिल्डर ने इसे तैयार करा हुआ है। तो आइए विजिट हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम स्टेयर्स पोर्शन से। जैसे कि आगे देख पा रहे होंगे, स्टेयर्स पे जो बिल्डर ने है वो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा रखी है पूरे, और वॉल पे 3.5 फुट तक टाइल्स, और स्टेयर्स पे ग्रेनाइट स्टोन। और आप देख सकते हैं लिफ्ट पोर्शंस पे तीनों तरफ बिल्डर्स ने टाइल्स लगा रखी हैं, और स्टेनलेस स्टील के लिफ्ट ब्रांडेड लिफ्ट ओटिस की लगा रखी है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन काम कराया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं फ्लोर की एंट्री है, ये पूरे फ्लोर में इटालियन मार्बल्स का यूज़ किया हुआ है। ये पूरा आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम का पोर्शन, ऊपर फॉल सीलिंग, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। सामने आप विंडो देख सकते हैं, पूरा इसमें वेंटिलेशन है, पूरा वेंटिलेटेड फ्लोर है। ये आप देखिए पूरा स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा ऊपर फॉल सीलिंग जो तैयार है, उसमें कंसील लाइट्स ओपन है। और ये आप इसका LED पैनल देख सकते हैं पूरा, जिसपे पॉलिश का काम किया हुआ है। और ऑडियो वीडियो डोर इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसके साथ दिखाता हूँ इसका अटैच्ड वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। ये आप देखिए वॉल हैंगिंग सीट का प्रोविज़न है, फ्लोरिंग पे टैन ब्राउन जो है ग्रेनाइट लगा हुआ है इस पर, और टाइल्स लगी हुई हैं डार्क एंड ब्राउन कलर की, डेकोरेटर का यूज़ किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं वैनिटी तैयार है इसमें, बिल्कुल काफ़ी स्पेशियस है। और डबल एंट्री है, ये बेडरूम के साथ भी इसकी ज्वाइंट एंट्री है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आइए यहाँ से बाहर चलते हैं इस वॉशरूम से, एक बार पूरा व्यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ किचन, काफ़ी स्पेशियस है। ये आप देख सकते हैं फ्लोरिंग पे इटालियन मार्बल है पूरे, एक बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए आर्च पूरा किचन का, दो हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, ये आप देखिए पूरा किचन का स्पेस काफ़ी स्पेशियस है। नीचे ग्रे रंग के जो आप देख रहे हैं कैबिनेट, हाई ग्लोसी पेंट हुआ हुआ है इस पर, काफ़ी सारे डबल डिश वॉश बेसिन स्टेशन, ऊपर के कैबिनेट भी ग्रे, सामने विंडो। और आप ये देख सकते हैं चिमनी का प्रोसीजर भी इसमें दिया हुआ है बिल्डर ने। ये पूरी आप देख सकते हैं पेंट्री काफ़ी बेहतरीन काम कराया हुआ है, 10 ब्राउन इस पर किचन स्लैब लगी हुई है। और अब हम यहाँ से चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 में। तो आप ये देख सकते हैं इसका बेडरूम नंबर 1 काफ़ी स्पेशियस है। ये देख सकते हैं आप सामने विंडो, जिसमें विंडो AC का प्रोविज़न है, ऊपर की आप वॉल सीलिंग देख सकते हैं। और इसकी अलमीरा जो आप देख पा रहे होंगे वाइट हाई ग्लोसी पेंट से इस पर पेंट किया हुआ है, और ऊपर तक बनी हुई है जो बीच में बेड रखने का स्पेस, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। इस रूम का LED पैनल, जिसमें 3 दराज का प्रोविज़न है, साथ में आर्च बना हुआ है, और इसके साथ ये अटैच्ड वॉशरूम। फ्रेंड्स, ये वही वॉशरूम है जो मैं आपको भी लॉबी के साथ अटैच्ड था, ये आप देख सकते हैं पूरा वही वॉशरूम है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसके साथ अटैच्ड बालकनी, जैसा ये देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं इसके साथ अटैच्ड बालकनी है। सामने रेलिंग और टफन ग्लास का यूज़ करा हुआ है रेलिंग पर, ऊपर आप देख सकते हैं लाइट्स लगी हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ बेडरूम नंबर 2 की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ, एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लॉबी में मैं आपको होते हुए चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये आप देख सकते हैं बेडरूम नंबर 2 का पूरा स्पेस, ऊपर की फॉल सीलिंग, कंसील लाइट्स ऑन है, इसमें शाफ्ट का प्रोविज़न भी है वेंटिलेशन के लिए, स्प्लिट AC का पॉइंट है,
ये शॉफ्ट की विंडो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, ये एलईडी पैनल जिसमें हाई ग्रोसी पेंट और पॉलिश का यूज़ करा हुआ है, स्लाइडिंग अलमीरा नीचे ड्रेसिंग के साथ, 3 से 4 दराजों का प्रोविज़न, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है फ्रेंड्स। ये अभी लॉक है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ से चलते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ फ्रेंड्स। अब आ गए हम बेडरूम नंबर 3 की तरफ। ये आप देख सकते हैं बेडरूम नंबर 3 का स्पेस, पूरा काफ़ी शानदार और वेंटिलेटेड फ्लोर है, कॉर्नर का है, ऊपर फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है जो भी हम दिखाऊँगा। इसमें डबल बालकनी है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँगा। इस फ्लोर की जो आस्किंग कर रहा है बिल्डर, वो 1.65 CR कर रहा है, नेगोशिएबल है। आप ये देख सकते हैं पूरा इसका व्यू रूम का, इसमें एलईडी पैनल, ऊपर तक स्लाइडिंग अलमीरा जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये गली के साइड की विंडो कॉर्नर का है, इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं नीचे 10 ब्राउन ग्रेनाइट, ऊपर टाइल्स ग्रे रंग की वॉल पे, वॉल हैंगिंग सीट का प्रोविज़न है और वैनिटी इसमें भी दिया हुआ है। इसके साथ भी शाफ्ट अटैच्ड है, शाफ्ट की विंडो आप ये देख सकते हैं, एग्जॉस्ट का पॉइंट, ऊपर फॉल सीलिंग जिसमें कंसील्ड लाइट्स ऑन है फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार काम करा हुआ है बिल्डर ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ अटैच्ड बालकनी भी है एक छोटी सी, ये आइए बालकनी का डोर, ये अटैच्ड बालकनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये आप देख सकते हैं, और वेंटिलेटेड फ्लोर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए और भी बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आऊँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लोर्स रोहिणी में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तो दोबारा आऊँगा। थैंक यू।